वेलकम। आई होप कि आप अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रख रहे होंगे, बाहर जाने से परहेज कर रहे होंगे, अपने आप को इन्फेक्ट होने से और दूसरों को आपसे इन्फेक्ट होने के से बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पोरियस रिग्रेशंस। व्हाट इज स्पोरियस रिग्रेशंस? डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड स्पोरियस रिग्रेशन, स्टोकेस्टिक ट्रेंड स्पोरियस रिग्रेशंस, और कैसे पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर डिक्रीज होती है तो इंडिया की एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है, और व्हाट यू नीड टू रीड मोर ऑन स्पोरियस रिग्रेशन, तो वो सोर्स भी बताऊंगा, और साथ साथ कि ये जो है वो किसी वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्लाइड्स हैं ये आर में कैसे बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो पहली बात कि जी, आपके पास स्पोरियस रिग्रेशन में दो किस्म की चीज़ें हैं। एक है डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, जिसको टाइम ट्रेंड कहते हैं, और दूसरा है स्टोकेस्टिक ट्रेंड, जो कि नॉन स्टेशनरिटी के सेंस में होता है, या डिफरेंट स्टेशनरी सीरीज और ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज। तो वाई जो है वो टाइम ट्रेंड है, वाई टाइम का फंक्शन है, एक्स टाइम का फंक्शन है। अब अगर हमने वाई को एक्स पे रिग्रेस कर दिया, वाई को एक्स पे रिग्रेस कर दिया, टाइम ट्रेंड एक वेरिएबल था जो कि वाई को अफेक्ट कर रहा था, आपने उसको ओमिट कर दिया, और वो स्ट्रांग कोरिलेशन है टाइम ट्रेंड में और एक्स में, टाइम ट्रेंड में और वाई में, तो एक्स का कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये ओमिटेड वेरिएबल बायस, जब वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड हों तो एक जो ओमिट करेंगे तो जो दूसरे वाला होगा वो उसका कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट आ सकता है। तो ये ओमिटेड वेरिएबल बायस, मेरी वीडियो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्रिशवाओ थ्योरम के बारे में पता चलेगा। जब हमने वाई को एक्स पे और टाइम ट्रेंड दोनों पे रिग्रेस किया तो वाई बेसिकली टाइम ट्रेंड का फंक्शन था, तो यू विल सी कि एक्स सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टाइम ट्रेंड को एलिमिनेट करके कर दिया तो यू विल हैव स्पोरियस रिग्रेशन, नॉनसेंस रिग्रेशन, इवन अगर वो आपके वाई और एक्स जो है वो इकोनॉमिकली मीनिंगफुल वेरिएबल्स भी हों। तो दूसरी चीज जो कि जरा थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज में है, दैट इज कि अगर आपके पास नॉन स्टेशनरी सीरीज हैं, नॉन स्टेशनरी सीरीज क्या होती हैं कि मीन कांस्टेंट नहीं हो या वेरिएंस कोवेरिएंस कांस्टेंट नहीं हो या दोनों नहीं हो। तो बेसिकली वाई टी एक रेंडम वॉक मॉडल है, एक्स टी एक रेंडम वॉक मॉडल है। ग्रेंजर न्यूबोल्ड ने 1980s में कहीं पे ये सिमुलेशंस की, और उन्होंने सैंपल ऑफ साइज 50 लिया, 100 रेपिटेशंस की, 77 टाइम्स उनका रिलेशनशिप जो है बिटवीन वाई एंड एक्स सिग्निफिकेंट आया, हालांकि वो 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, बिकॉज वाई एंड एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अदरवाइज। तो इसलिए 5 टाइम्स आउट ऑफ 100 तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाई चांस टाइप वन एरर की वजह से आ गया, तो ये 77 टाइम्स आया। तो वहां से उनको ये आइडिया हुआ कि ये तो जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो है, जब टाइम ट्रेंडेड वेरिएबल्स जो है वो नॉन स्टेशनरी डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, तो मेनी अ टाइम्स देर आर चांसेस के स्पोरियस रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब आप देखिए, तो यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट आर कोड फॉर दिस वन। तो आपके पास जो है ये दो सीरीज हैं, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, दोनों की दोनों रेंडम वॉक हैं, होना ये चाहिए था, इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जब हम वाई को एक्स पे रिग्रेस करते हैं तो व्हाट डू वी गेट कि आपके पास जो है वो एक्स कोएफिशिएंट हाईली सिग्निफिकेंट आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन, दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस रिग्रेशन। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बीटा टू हैट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड टी नहीं रहती, तो उससे आपका जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आपकी जो स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो वैलिड नहीं रहती। वैसे भी हमें पता है कि जब वेरियंस जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के डिनोमिनेटर में जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्स्टेंट अस्यूम की जाती है। तो ये आपके पास इशू क्यों हुआ? इशू इसलिए हुआ कि वाई टी जो है रेंडम वॉक था, जिसका मतलब ये है कि यू टी भी रेंडम वॉक हो गया, जबकि हम अस्यूम करते हैं कि यू टी क्या है, यू टी आई आई डी है। तो जब आपके पास जो है वो स्ट्रांग ऑटो कोरिलेशन हो इन द फिनोमिना और आपके पास यू टी आई आई डी नहीं हो, तो वाई को जब एक्स पे रिग्रेस करेंगे बिकॉज ऑफ नॉन एड्रेसल ऑफ ऑटो कोरिलेशन, तो व्हाट विल बी द केस,
कि आपके पास वाई और एक्स में एक रिलेशनशिप शो हो सकता है, हालांकि वो रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन, दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन कि आपने वाई को एक्स टी पे रिग्रेस किया इंस्टेड ऑफ वाई टी माइनस वन। तो आपने रिडंडेंट वेरिएबल रूटीन में अगर आप डाल दें तो इट विल नॉट मैच मैटर मच, बट अगर आपने उसमें वाई टी माइनस वन जो रेलिवेंट वेरिएबल था उसको नहीं डाला था और यू टी आई आई डी नहीं थे, तो एक्स जो है इट मे बी सिग्निफिकेंट। तो ऑब्जेक्टिव ग्रेंजर बोल्ड का क्या था कि आपने अगर ऑटो कोरिलेशन को इग्नोर कर दिया तो देर आर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ऑटो कोरिलेशन को, मल्टीकोलिनेरिटी को, हेट्रोस्कडास्टिसिटी को डील कैसे करते हैं मैंने पहले भी बताया, आई विल शो इट इन अदर वीडियोस एज वेल। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में आपके ज़्यादातर वेरिएबल्स जो है वो नॉन स्टेशनरी होते हैं, तो क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है, लाइक कंजम्पशन, इनकम, केन्स कंजम्पशन फंक्शन वगैरह में जेन्युइन हो सकता है, बट स्टिल अगर आपने डायनेमिक्स को इग्नोर कर दिया तो दैट रिलेशनशिप मे बी नॉन स्टेशनरी, दैट नॉन सेंस। तो पहला स्टेप ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशनशिप स्पोरियस है नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, स्टोकेस्टिक ट्रेंड है, एंड देन डील अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके पास डेटा है, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, एक्सपोर्ट इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक का डेटा आर की लाइब्रेरी से डाउनलोडेड है। तो ये आप देखिए, तो हमने इंडियन एक्सपोर्ट को रिग्रेस कर दिया पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, तो इट्स हाईली सिग्निफिकेंट -11.386 के पाकिस्तान, और इसकी कॉजल इंटरप्रिटेशन इस तरह की कभी नहीं करनी कि पाकिस्तान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगा तो इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ये तो नॉनसेंस मैंने इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये देखिए दोनों ओवर टाइम, एक कम हो रहा था एक ओवर टाइम बढ़ रहा था, तो रिजल्ट क्या आ गया, सिग्निफिकेंट आ गया, बिकॉज के आपके एरर्स जो है, जब मैंने एरर्स का जो सैंपल काउंटर पार्ट होता है वो रेजिजुअल्स होते हैं, जब मैंने रेजिजुअल्स की ऑटो कोरिलेशन चेक की तो वो सिग्निफिकेंट, वो नॉन स्टेशनरी थी। तो जब रेजिजुअल्स नॉन स्टेशनरी हों तो रिग्रेशन जो है वो नॉनसेंस रहेगी, तो एरर्स जो है वो आई आई डी होना, रेजिजुअल्स आई आई डी होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस पे इससे ज़्यादा रीड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्पोरियस रिग्रेशन बाई असद जमान एक बड़ा नाइस राइटअप है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली एडवांस लेवल पे है, सपोर्टेड बाई ए वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मैं किसी वक्त आपको आर में ये स्लाइड्स, ये कोर्स, हर चीज़ कैसे होती है और कैसे क्लिक से ये सारी स्लाइड्स आपको शो हो जाती हैं, आई विल डेमोन्स्ट्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।